ओडिशा की असाधारण जनजातीय विरासत में जाजपुर की कोल्हा जनजाति विशेष है। कोल्हा नाम मोनाड शब्दकोश से लिया गया है, जिसका अर्थ है वो अपने हैं। दिखने में औरों से अलग, ये बिहार के सिंहभूम जिले के कोल्हान क्षेत्र के मूल बाशिंदा हैं और कोल, कोल्हा, मुंडा, मुंडारी और लरका कोल जैसे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये संथाली, हिंदी और ओडिया जैसी अलग अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। एठिकार जीवन जीविका कहले प्रथम तो मुख्य धान चाष, तापर आमर तो रोसी हाँडिया भी बेपार करती, पैसा पत्र रोजगार करना छुआ पा पाठ पढ़े। आ गोटे जिनस हूँ एवं विभिन्न प्रकार छेड़ी कुकुड़ा एम को मान पालन कराफल पैसा पत्र रोजगार हो पार। आरंभ से ही कोल्हा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती बाड़ी है और ये कुशल किसान जनजाति के रूप में पहचाने जाते हैं। परंतु अपनी आजीविका के पूरक के लिए वे मौसमी खाद्य संग्रह, जानवरों का शिकार और दिहाड़ी मजदूरी पर भी निर्भर हैं। कृषि विशेषज्ञ होने के नाते ये प्राकृतिक खाद मिलाकर अपनी फसलों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं और फिर पानी से भरे खेतों में धान की रोपाई करते हैं। कोल्हाओं ने अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का विकास किया है। उदाहरण के तौर पर ये प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में पासू दारू जैसी अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ हूँ पास पास पत्र, यही पास पत्र जो धान जो जिते बड़े पुक गुड़ा खाइबे से ही समय आम यही पास पत्र को लेकिन आम से बिल गाड़ी दे था जहाँफल से पुक किसी दिन भितर चार पांच दिन भितर सब उड़ी पड़े ना कि इतनी विषक्त गचर कि चार पाँच दिन भितर पक गुड़ा सब मरीजे अधे पड़े गुस्ट भल फसलों की कटाई के बाद कोल्हाओं के पास अगले मौसम के लिए बीजों को संरक्षित करने के भी कई तरीके हैं। उनमें से एक है पराली को कसकर गोला बनाना, जिसे धान पुड्डा कहा जाता है। कटाई के बाद धान के दानों से भूसी और नमी को दूर करने के लिए धूप में सुखाया जाता है, फिर इसे पराली में कसकर लपेटा जाता है और अगले मौसम में बुआई तक संग्रहित किया जाता है। ये बीज संरक्षण के संबंध में कोल्हाओं के स्वदेशी ज्ञान का एक प्रमुख उदाहरण है। हमें ये नड़ा साजरे ये बोड़ करूं विभिन्न प्रकार शस्य जातीय कहले आमर धान बिरी मुग कुर्थ ये सब ये बोड़ द्वारा बांधी था बुणवा समय यू बाहर कर पुड़ा बांधवा द्वारा आभिन्न प्रकार कीट पतंग अच्छे से गुड़ा भी खाईपरवे ना पूरा विशोधन कर आम एटी रखिदे था आमर पूर्व कालर यहाँ आम करसुचु यहाँ आग जुगपाई ये रोब हम लोग
ଆଗରେ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ବରା ଅଖା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୁଟା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କରିକି ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ଧାନ ସବୁ ରୁଏ। कोल्हा अपनी आय के पूरक के लिए बतख, मुर्गी, बकरी और सुअर आदि जानवरों का पालन भी करते हैं। कृषि के अलावा कोल्हा कुसुम यानी सिलोन ओक और माहुला यानी बटरनट जैसे बीजों से तेल निकालने में भी कुशल हैं। ये जंटी नामक एक पारंपरिक तेल प्रेस का उपयोग करते हैं, जो लकड़ी के टुकड़ों से बना एक साधारण उपकरण है। तेल निकालने की ये इनकी पारंपरिक विधि है। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମ ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ। ଏଇ କୁସୁମ ମଞ୍ଜି ଆମ ଢେଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ କୁଟିକି ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ଏଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ସେ ଏଠିକାର ଯେତେ ତେଲ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ ବନେଇକି ତେଲ ନିଜେ ମାଖୁଥିଲେ। ये लोग इस तेल का उपयोग खाना पकाने, अपने बालों पर लगाने और स्थानीय किसानों को बेचने के लिए करते हैं। हांडिया या चावल की शराब दैनिक कोल्हा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोल्हा इस पेय को जंगल से मिलने वाली विशेष जड़ी बूटियों और चावल से तैयार करते हैं। खेतों से थककर घर लौटने के बाद ये नियमित रूप से इस पेय का सेवन करते हैं। विवाह और अन्य उत्सवों के दौरान स्वागत पेय के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त आय के लिए कोल्हा हांडिया बेचते भी हैं। प्रथमे धानरु चावल हेबो, चावलरु सेगुडा चूना हेबो, चूना करिकिना औषध तीन प्रकार चूना रे मिसिबो। तापरे से चूना पानी रे गुळै करी चूना को आनी करी गोल करू, ଗୋଲ କରିକିନା ଏଇ ଭାତ କରିକିନା ଚାଉଳଟା ଭାତ କରିକିନା ତାପରେ ସେଇଟା ଏମିତି ତିର୍ପାଲ ଗୋଟେ ବିଛେଇକିନା ଶୁଖେଇ ଦେଉ ଭାତଟା। ତାପରେ ସେଇ ମଣିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିକା ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ କରିକିନା ସେଇ ଭାତରେ ଭିଡ଼େଇ ଥାଉ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପରେ ଭିଡ଼େଇ ଥାଉ। ତାପରେ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଫେଣ୍ଟିକିନା ତାପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁ, ଭର୍ତ୍ତି କରୁ ହେଲା। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିକିନା ତିନି ଦିନ ପରେ ହାଣ୍ଡିଆ ହେବ। कोल्हा एक रचनात्मक जनजाति है। इनके घरों की मिट्टी की दीवारों पर सजावट के लिए बने ज्यातमीय चित्रों से इनके कौशल और कला प्रेम का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सूखे ताड़ के पत्तों से एक बहुउद्देशीय चटाई बनाते हैं, जिसे पटिया कहा जाता है। ये इसे बैठने और सोने के लिए चटाई के रूप में और ठंड से खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोइब ये फलटा जंगल रु काठी आनी करी आमे सुकेनु, सुकेई करी एटा आमे आउतरे चिरमु, चिरी करी एमती गंतिमु। ये बड़े शीत बड़े भी ये पटियाटा रे आमे सुईतिनु, एटारे भी गुड़ई हेइतिनु जे आउ से परे आउरी एटा भी दान गांठीबा भी होउची किबा आमर जियो पुओ बागर पंचिले बड़ हेले पिलागा सेते बड़े भी बंधुबासी आसले एटा भी चेई देमु। जाजपुर की ये कोल्हा जनजाति
ओडिशा की महान आदिवासी विरासत के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है।